brought to you by Techno Camon 30 series. इन बलून्स की वजह से इस वक्त दक्षिण कोरिया में दहशत का माहौल है और सरकार ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इन बलून्स को लेकर सरकार का कहना है कि जो आसमान में गुब्बारे उड़ रहे हैं उन्हें छूने की कोशिश न करें, हो सके तो घरों के बाहर न निकलें क्योंकि उनमें कचरा, मलमूत्र या फिर गंदगी हो सकती है। अब एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की तरफ कचरे से भरकर तकरीबन 600 गुब्बारे फिर से छोड़ दिए हैं। ये गुब्बारे दक्षिण कोरिया के 9 राज्यों में से 8 राज्यों में पाए गए हैं। इससे पहले 150 गुब्बारे ऐसे उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की तरफ छोड़े थे और अब फिर से 600 गुब्बारे छोड़े हैं। इस घटना के बाद अब कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। इन बलून्स को खासतौर पर साउथ कोरिया में छोड़ा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया के लोग ये किसके आदेश पर कर रहे हैं इसको लेकर कोई भी जानकारी नॉर्थ कोरिया की तरफ से अब तक नहीं दी गई है। इस घटना के बाद कई लोगों ने वीडियो फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है और स्थानीय लोगों ने कहा है कि सफेद गुब्बारों में डोरी से कुछ बैग बांधे गए थे। इनमें टॉयलेट पेपर, काली मिट्टी और बैटरी समेत कई चीजें थी। वही प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी अज्ञात वस्तु को देखे तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी ने बताया है कि इसमें मल होने की संभावना है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मिलिट्री एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस, केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिस्पॉन्स टीम को जांच में लगाया गया है। वहीं लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो गुब्बारों से दूर रहें। इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया की सेना ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें गुब्बारे और उनसे बंधे प्लास्टिक के बैग दिखाई दे रहे हैं। कई तस्वीरों में जमीन पर गिरे गुब्बारों के चारों ओर कचरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक तस्वीर में एक बैग पर मल शब्द लिखा हुआ था। बता दें कि 1950 के दशक में उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों प्रचार के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल करते थे। अब गुब्बारों का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में गंदगी फैलाने के लिए कर रहा है और इन गुब्बारों को दक्षिण कोरिया की सेना लगातार ट्रैक कर रही है। हो सकता है कि इसमें कोई बम हो या फिर कोई बायोलॉजिकल वेपन जो कि दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।